यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और अपनी लंबित मांगों को लेकर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और अटेंडेंट एसोसिएशन को आज मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना था। जैसे ही प्रदर्शनकारी सीएम आवास के पास पहुंचे, पुलिस एसीपी आदर्शदीप, जो कि पहले से ही धरना स्थल पर पुलिस बल के साथ मौजूद थे, उन्होंने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की। और जब एसीपी ने प्रदर्शनकारियों को मुख्यमंत्री के ओएसडी भूपेश्वर दयाल से मिलने का आश्वासन दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने घेराव को स्थगित कर दिया। आपको बता दें कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और अटेंडेंट एसोसिएशन समान काम समान वेतन सहित कई मांग कर रहे हैं। वहीं इनके प्रधान अमित ने कहा कि अगर बातचीत नहीं हुई तो वो आगे की रणनीति तैयार करेंगे। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर अटेंडेंट एसोसिएशन मीटिंग है हमारी यूनियन का नाम, और गवर्नमेंट कॉलेज में, हर गवर्नमेंट कॉलेज में पिछले 8 या 9 साल से कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर अटेंडेंट काम कर रहे हैं, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। सबसे जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है वो इक्वल पे इक्वल वर्क की है, जो कि मार्च से फाइल हमारी एक जगह अटकी हुई है, ना सरकार ने घोषणा और जो हाईकोर्ट का डिसीजन उसके आने के बाद उसको लागू किया। इसी है कि हमारी जो पोस्ट है वो सेंक्शन नहीं की गई है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा है। हर कॉलेज में, हर गवर्नमेंट कॉलेज में 2 कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और 1 अटेंडेंट, लगभग 278 के अप्रोक्सीमेट हमारी जो आज की क्या रणनीति है। एक बार इन्हें बात हुई है, एक बार देखते हैं भूपेश्वर दयाल जी से बात, सीएम ओएसडी से बात करते हैं, क्या आश्वासन मिलता है। सीएम आवास के जो आवास का घेराव का हमारा निर्णय था, तो एक बार बात करके देखते हैं क्या डिसीजन आता है, उसके बाद में आगे की रणनीति करेंगे।